हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल असली स्कैल्पर। और स्कैल्पिंग की दुनिया में एक जबरदस्त वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जहां आपको इंट्राडे करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज के लिए बना रहा हूं, तो प्लीज अपनी स्टडी को बैक टेस्ट करने के बाद, पेपर ट्रेड करने के बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। 90% इज माइंडसेट, 10% इज स्किल, क्योंकि जो आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, माइंडसेट कैसा है। अगर कोई भी ट्रेड लेते हुए जैसे ही आपके ट्रेड के अगेंस्ट में कोई कैंडल दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल बाय का ट्रेड लिया है, जैसे ही एक रेड कैंडल आपको दिखाई देती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ या ना, कमेंट करो। बढ़ती है मेरी, बढ़ती थी आपकी, बढ़ती होगी। बट जैसे ही आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया सेलिंग साइड में, जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखी, एकदम से निकल जाती है, या तो छोटा सा प्रॉफिट लेके या लॉस में बेच के। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इस वीडियो के अंदर में, जहां एक ऐसी स्कैल्पिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूं जो आपको बहुत ही जबरदस्त पैसा बना के देने वाली है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, शॉर्ट में मत छोड़ना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और अपने ऊपर अगर 5-10 मिनट नहीं है सीखने के लिए तो बेकार है। ये स्ट्रेटजी किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, पहले देख लेते हैं। दिस कैन बी यूज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, दिस कैन बी यूज फॉर स्कैल्पिंग, कैन बी यूज इक्वली गुड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग एंड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज ट्रेडेड अक्रॉस द वर्ल्ड। यस, जो ट्रेड होती है वो इसके थ्रू ट्रेड की जा सकती है। इसकी खासियत क्या है, इसमें चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए दो चीजें। पहली चीज है कनेशी कैंडल और दूसरा है EMA 50। दोस्तों, अगर आपको पता है स्किप कर सकते हैं, नहीं पता तो एक बार मेरा व्यू ले लीजिए, हो सकता है व्यू आपके काम का हो सकता है मेरा अंदाज कुछ अलग हो सकता है आपने ऐसा कुछ नहीं सुना हो, है ना। तो प्लीज सुनने के बाद, समझने के बाद ही डिसीजन लेना कि इसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना। हैकनेशी क्यों, सबसे बड़ी बात हैकनेशी हेल्प करेगी हमें रिड्यूस करने में नॉइस। जो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स का नॉइस है वो रिड्यूस हो जाता है हैकनेशी से। दूसरा बड़ा फायदा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने में हेल्प मिलती है, जहां विनिंग ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते वहां हेल्प करती है। तीसरा फायदा, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, कंटिन्यू करेंगे विनिंग स्टॉक्स को तो पैसा मिलना ही मिलना है, विनिंग ट्रेड्स को आप होल्ड कर पाते हैं। और सबसे लास्ट है, आप अपने फ्यूर के ऊपर काम कर सकते हैं। जो डर आपको लगता है कि निकलूं या बना रहा हूं, निकलूं या बना रहा हूं, वो इस टेक्निक से बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाला है। नॉर्मल कैंडल्स आपको मालूम है, उसमें बुलिश है, बेरिश है, हैंगिंग मैन है, डॉजी है, शूटिंग स्टार है, और ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं ना, किस किस कैंडल्स को ट्रैक करेंगे। सिंपल नॉइस को कट करते हैं और लेके आते हैं हैकनेशी कैंडल्स को, जहां पे तीन तरह की कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल होती है बुलिश, जिसमें आपके पास में अपर वीक होता है, लोअर वीक नहीं होता, कंप्लीट सॉलिड बॉडी विद द अपर वीक। सेकंड टाइप ऑफ कैंडल होती है बेरिश, मतलब लोअर वीक होगी, अपर वीक इसमें नहीं होगा। तीसरी तरह की सिर्फ लास्ट कैंडल्स है डॉजीज, जिनको आप डॉजीज कहते हैं, हम एकनेशी में उसको कहते हैं इनडिसीजन। अब ट्रेड सेटअप क्या है वो समझ लेते हैं, काम कैसे करना है। सपोज कीजिए ये आपका एक ट्रेड है, यहाँ पे एंट्री कंडीशंस का, आपको सेल की एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां से ये सेल का ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। सेल की कंडीशंस के लिए आपको पहले ढूंढना है एक रेड डॉजी को, एक रेड इनडिसीजन कैंडल को ढूंढना है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को क्लोज होने देना है कि वो बेयरिश क्लोज हो रही है या नहीं। अगर वो बेयरिश क्लोज हो जाती है, उसके बाद आपको थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेना है। वैसे ही बाय का ट्रेड करने के लिए आपको ढूंढनी है एक बाय सिग्नल, मतलब बाइंग इनडिसीजन, ग्रीन इनडिसीजन, सेलिंग में सेलिंग इनडिसीजन, रेड इनडिसीजन कैंडल, और बाय के लिए बाइंग इनडिसीजन कैंडल। फिर आपको नेक्स्ट कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है कि वो ग्रीन क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बुलिश है कि नहीं, क्लोज हो रही है कि नहीं। थर्ड कैंडल पे आप काम करेंगे, पैसा बनना ही बनना है। दोस्तों, चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं। लेट्स गो टू चार्ट। दोस्तों, ये फायर्स का टर्मिनल है, बहुत ही जबरदस्त है, आप चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी फुल फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम वर्जन में मिलते हैं, तो यहाँ पे वो फ्री है। इसका फ्री अकाउंट खोलने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, खोल सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी फायर्स है, वेल एंड गुड। अगर आप फायर्स के अलावा कहीं खोलना चाहते हैं, तो वो लिंक भी सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, ज़ीरोधा, आपसो, जिससे आप खोलना चाहें, सब नीचे लिंक में दिए गए हैं। बट मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ फायर्स को, बहुत ही जबरदस्त है, मैं खुद ट्रेडिंग फायर्स में करता हूँ। अब देखिए, लेफ्ट में आपके पास में एक नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है, राइट में मैंने उसको हैकनेशी में कन्वर्ट किया, टाइम फ्रेम रखा 3 मिनट का। इसके ऊपर हम लगा लेते हैं आपकी EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 पीरियड की। देखिए, हालांकि मैं इंडिकेटर्स को इस्तेमाल बहुत कम करता हूं, ये आपका रहेगा, यहां पे लगा दिया, और यहां पे भी हम इसको मूविंग एवरेज लगा लेते हैं 50 पीरियड की, EMA 50 नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पे भी। और यहां की सेटिंग करने के लिए आपको यहां पे इस सेटिंग बटन को क्लिक करना होगा, इनपुट में 50 करना होगा, कलर आप जो मर्जी देना चाहें, येलो देना चाहें येलो दे दीजिए, और बस ओके कर दीजिए। और यहाँ पे भी आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी होगी, और सेटिंग डिफॉल्ट 9 पीरियड की होती है, आप उसको 50 पीरियड्स का करेंगे, और सेटिंग में आप कलर जो मर्जी चाहें, मैं येलो करता हूँ ताकि अच्छे से ब्राइट दिखाई दे।
अब ईएमए का उतना बड़ा रोल नहीं है, बट ईएमए हमें क्या करेगी, एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। हमारा मेन फोकस रहेगा हेकेनशी कैंडल्स के ऊपर में। अब देखिए, सपोज मेरी एंट्री होनी होती यहां पे, अगर आप एक बुलिश कैंडल को, एक बाजार गिरता हुआ आ रहा था, आपने देखा कि भाई एक बाय ट्रेड इनिशिएट हुआ, उसके बाद यहां नहीं तो आप यहां एंट्री कर ही लेंगे क्योंकि आपको लगा कि एक हायर क्लोज हुआ, हायर हाई क्लोज हुआ, हायर लो क्लोज हुआ, तो आपकी एंट्री बनती है। थर्ड कैंडल आपकी नॉर्मल आती है एक हैमर कैंडल जो रेड कलर की है, आप हैमर पे कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप इसके रेड कलर पे लेके आधे से ज्यादा ट्रेडर यही खत्म हो जाएंगे। रेड जैसे ही बनने लगा आपको लगेगा भैया अगली कैंडल भी रेड होने वाली है, बट नेक्स्ट पे ग्रीन हो जाती है। तो ये जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन अगर आप यहां देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे जब भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एक बुलिश कैंडल आई, तो उसके बाद में नेक्स्ट भी ग्रीन इनडिसीजन कैंडल है, फिर बुलिश कैंडल है, फिर बुलिश कैंडल है, और उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रेड को। देखिए ये जितने भी कैंडल्स हैं ये आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये जो डॉजीज हैं ये सारी सारी इनडिसीजन हैं, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसी है जिसके ऊपर ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, मतलब ये सीधी सीधी एक ऐसी सॉलिड रेड कैंडल है, एक ऐसा रेड सिग्नल है जिसमें आप बेचने पे मजबूर हो ही जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस कैंडल पे आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, आप यहां निकल ही जाएंगे क्लोज होने से पहले भी। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने एक लोअर हाई लोअर लो बनाया तो पक्का निकल ही जाएंगे। बट यहां पे हेकेनशी क्या कहती है, तीन ही तरह कैंडल थी, या तो बुलिश या बेरिश या इनडिसीजन। चलो एक बार सब कुछ हटाते हैं और देखते हैं एंट्री कहां है। एंट्री के लिए नॉर्मल कैंडल को छोड़ के हम जाते हैं अपने हेकेनशी चार्ट के ऊपर। हेकेनशी चार्ट पे आपकी बाइंग एंट्री कहां होगी, क्या इस पे होगी, यस और नो? नहीं, मैंने आपको क्या कहा था कि रिवर्स ट्रेंड में रेड ट्रेंड था, सेलिंग का ट्रेंड था, सेलिंग के ट्रेंड में आपको ग्रीन इनडिसीजन ढूंढना है, तो आप इनडिसीजन यहां पे आया है, करेक्ट। अभी तक मूविंग एवरेज के नीचे सौदा, ध्यान रखना मूविंग एवरेज मैंने क्यों लगाई है, सिर्फ रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि मूविंग एवरेज के बेसिस पे हमेशा ट्रेड नहीं किए जा सकते, पता होना चाहिए कि क्या काम आएगा और क्या काम नहीं आएगा। मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लेना ना तो आप ट्रेड यहां लोगे 537 पे, पर मूविंग एवरेज के ट्रेड नीचे मिल रहा है तो आपका ट्रेड मिल रहा है 500 रुपए के आसपास में, 40 पॉइंट पहले आपको ट्रेड मिल रहा है। अब ये आपकी हो गई अलर्ट कैंडल। सेकंड कैंडल मैंने कहा था आपको बुलिश क्लोज होनी देनी चाहिए, बुलिश क्लोज होगी आपका, थर्ड कैंडल के ऊपर में आपका यहां पे ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। अब यहां पे ट्रेड आपका इनिशिएट होता है 517-520 के आसपास में, और आपको स्कैल्पिंग में जैसे हम रूल लगाते हैं कि फिक्स टारगेट के लिए काम करते हैं, निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट के लिए फिक्स टारगेट होता है और बैंक निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट के लिए फिक्स टारगेट के लिए काम करते हैं। रिस्क वाला रेशियो बिल्कुल सेम रखना होता है, रिस्क वाला रेशियो 50-50 का ही रहेगा, मतलब 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है, 50 पॉइंट का सरप्लस रहेगा बैंक निफ्टी में। 20 पॉइंट्स का टारगेट अगर निफ्टी में रख रहे हैं तो 20 पॉइंट्स का टारगेट आप सरप्लस की तरह रखेंगे निफ्टी में, आप अपना जिसके बारे में अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्रेड्स भी नहीं मारे जाते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी भी लोग एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि वहां पे आपकी जो पोजीशन साइजिंग होती है बड़ी होती है। स्कैल्पर्स क्या करते हैं, बड़ी पोजीशन साइजिंग में काम करते हैं और क्विक एंट्री करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्विक एग्जिट करते हैं। आपने 1000 लॉट लिए, 10 रुपए पे निकल गए, 10,000 रुपए बना लिया आपने, आपने 10,000 क्वांटिटी खरीदी, 10 पॉइंट पे निकल तो आपने 1,00,000 रुपए बना लिए, और 1,00,000 का लॉस भी हो सकता है ना, जैसा आपका कैपिटल वैसा आपका रिस्क एपेटाइट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, और उसके बाद में अगर एंट्री यहाँ पे आप कर रहे हो तो ये आपकी एग्जिट कहां होगी, एग्जिट होगी जब आपका रिवर्स ट्रेड बनेगा सेलिंग का, मतलब सेलिंग के लिए आपको जो कैंडल चाहिए वो ये ढूंढनी है, ये आपकी अलर्ट कैंडल होगी। सेकंड इसके बाद में ये आपकी क्लोज हुई तो एक कंफर्म कैंडल होगी। थर्ड कैंडल पे आपका एग्जिट का ट्रेड है, तो ये जो बाय का ट्रेड 540 के आसपास का था, कम से कम भी तो 517 के आसपास में ये ट्रेड कम से कम 545 के आसपास आपका, या 545-530 के आसपास में आप एग्जिट कर रहे हैं, मतलब वही 20 से 25 पॉइंट निफ्टी में आपको मिल ही रहे हैं। वहीं अगर सपोज कीजिए यहां पे अगर आपको सेलिंग की एंट्री लेनी होती, एक बाय का ट्रेंड बना हुआ था, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं एक सेलिंग बेरिश डॉजी, उसके बाद में आप ढूंढ रहे हैं एक क्लोजर, क्लोजिंग होगी, उसके बाद में आपकी थर्ड इस ट्रेड पे आपकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये क्लोज हो चुका था, यहां पे एंट्री करें 559 के आसपास में। उसके बाद में देखिए आपका ट्रेड कहां, गलतियां 90% की एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी तो कटेंगे। अब यहां पे फिर से आपकी रेड कैंडल में, रेड बियरिश ट्रेंड के अंदर में आपको बुलिश अलार्म मिला, उसके बाद में आपकी एक क्लोजिंग हुई, बट आपकी एंट्री यहां पे फेल हो गई क्योंकि ये क्या है, रेड है। तीसरी कैंडल भी कंफर्म बियरिश होती, बुलिश होती तो हम यहाँ बुलिश ट्रेड लेते, बट नहीं तो लोग यहाँ पे निकल जाते। तो ये ट्रेड आपका कंटिन्यूएशन ट्रेड, अगर ध्यान से देखेंगे चार्ट को बड़ा करके तो यहाँ पे कैंडल्स में एक विक है, ये देखिए विक है, और छोटे से छोटा विक भी अगर है तो वो इनडिसीजन है, मतलब होल्ड है। तो ये सेलिंग यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा, ये यहाँ पे एग्जिट नहीं है, ये सेलिंग यहाँ पे
कंटिन्यूड है, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ पे भी अगर एंटर किया 550 के आसपास में, तो आपका ट्रेड 550 से लेके अगर यहाँ आपने बाय ट्रेड इनिशिएट किया 550 से 513, अगेन आपको 30 प्लस पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल रहे हैं। तो 30 प्लस की वेट नहीं करनी, 20-20 खेलना है, 20 पॉइंट्स की वेट करनी है, 20 पॉइंट्स लेके निकल, फिक्स टारगेट के लिए स्कैल्पिंग की जाती है। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, सेटअप बता दिया, जाके बैक टेस्ट कीजिए निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, जिस पे भी आप काम करना चाहें। बट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी से बेस्ट कुछ नहीं है। स्टॉक्स में आप फंस सकते हैं, स्टॉक्स में कभी कभी मूवमेंट कम होती है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट्स लाजवाब है ट्रेडर्स के लिए। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही चूज कीजिए। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मेरा एनालिसिस की हेल्प लेना चाहते हैं, तो डेली 9 से 11 लाइव होते हैं इसी चैनल के ऊपर में, असली स्कैल्पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और नोटिफिकेशन पर ऑल पे क्लिक करना, वरना आपके पास नोटिफिकेशन शायद नहीं जाएगी। इस चैनल के ऊपर मैं दोस्तों जितनी भी वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजी सब लेके आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी टेक्निक पे, किसी स्ट्रैटेजी पे वीडियो आपके सामने लाया जाए, तो वो भी इस कमेंट सेक्शन में जब बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चैनल आपको डेडिकेटेड हो। जो आप चाहते हैं वो इस चैनल पे हो, जो मुझे आता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा सरल से सरल भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आप चाहेंगे, और जिन लैंग्वेजेस नहीं आते हिंदी इंग्लिश में मिक्स रहेगा, कोशिश करेंगे हिंदी में ताकि समझ में आ जाए। दोस्तों अगर वीडियो जरा सा भी काम का लग रहा हो, आपको लगता है कि आपके दोस्तों के काम आ सकता है, ट्रेडिंग फैटर्निटी के काम आ सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ में शेयर कीजिए, डाउनलोड करके रखिए, ताकि ये वीडियो कभी मिस ना हो आपके हाथ से, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार, अपना फीडबैक देके जरूर जाना। तो सुबह से मिलेंगे 9 से 11 लाइव सेशन करने के लिए, और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए बाय, टेक केयर।